नमस्कार दोस्तों, मैं हूनेल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति लघु त्रिप्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक का अर्थ क्या होता है। उत्तर है, वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। प्रतिभावान बालक ही राष्ट्र के नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार व रचनाकार आदि बनते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक उसे कहते हैं जिसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से बहुत अधिक होती है, अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे तेज होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह सामान्य बालकों की तुलना में वह किसी भी कार्य को जल्दी कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को वह जल्दी सीख लेते हैं, उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह संगीत, कला या किसी भी अन्य क्षेत्र में या किसी भी एक क्षेत्र में वह बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं या बहुत तेज होते हैं, अत्यधिक योग्यता रखते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं सामान्य बालकों की तुलना में। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिभावान बालक बुद्धि के साथ साथ शारीरिक रूप से, व्यक्तित्व रूप से तथा समाज योजन की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है, तो बहुत आकर्षक होती है और उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है। समाज में वह समायोजन की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं, वह जल्द ही समाज में समायोजित भी हो जाते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, हैविंग हर्स्ट के विचारानुसार प्रतिभाशाली बालक वे बालक हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। देखिए दोस्तों, हैविंग हर्स्ट महोदय कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो समाज के किसी भी क्षेत्र में प्रत्येक समय या निरंतर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। कार्य कुशलता उनकी बहुत अच्छी होती है, वह प्रत्येक कार्य अच्छे से कर लेते हैं, उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अब्दुल रऊफ के अनुसार प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि का प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब्दुल रऊफ महोदय कहते हैं कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होती है उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रेम पसरीचा ने प्रतिभाशाली बालक को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो वह उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है अति विशिष्ट योग्यता रखता हो। देखिए दोस्तों, प्रेम पसरीचा महोदय कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि बालक की बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा हो, बल्कि यह जरूरी है कि बालक किसी भी एक क्षेत्र में वह विशिष्ट योग्यता रखता हो, सबसे श्रेष्ठ हो किसी भी एक क्षेत्र में, उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जो हैं वह क्रिकेट के मैदान में रन्स ज़्यादा बनाते हैं, तो वह क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, खेल के प्रति उनकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार किसी भी एक क्षेत्र में प्रतिभावान बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोरलैंड द्वारा बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। उत्तर है, आपका पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, पहले हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के आधार पर देखेंगे। इसके द्वारा संज्ञानात्मक योग्यता का मापन किया जाता है। बुद्धि परिणामों के लिए स्टैनफोर्ड, बिने और वेसलर स्किलों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 135 बुद्धि लब्धि आईक्यू इंटेलिजेंट्स या उससे ऊपर के सभी बच्चे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है वह बालक की संज्ञानात्मक योग्यता का मापन किया जाता है। इसमें दोस्तों, जो स्टैनफोर्ड बिने और वेसलर महोदय ने एक स्केल बनाया है, मापनी बनाया है, उस मापनी में यदि बालक की मानसिक आयु 135 या उससे अधिक होती है तो उसे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अध्यापक का निरीक्षण, यह निरीक्षण अध्यापक द्वारा परीक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक का पहचान अध्यापक के द्वारा किया जाता है। वह अध्यापक में कक्षा निरीक्षण के दौरान प्रत्येक बालक से प्रश्न पूछता है और बालक जो तेज तर्रार होते हैं वह अच्छे क्वेश्चन का जल्दी आंसर देते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, सामूहिक उपलब्धि
परीक्षण क्या है? उत्तर है, इन परीक्षणों का प्रयोग प्रतिभाशाली बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि के बारे में विश्वसनीय जानकारी इकट्ठी करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, सामूहिक उपलब्धि परीक्षण जो होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनकी विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करने के लिए सामूहिक उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानसिक मंदता का अर्थ क्या है? उत्तर है, मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। इसलिए मानसिक मंदता से अभिप्राय मानसिक वृद्धि एवं विकास की गति की न्यूनता से है। मानसिक मंदता वाले बच्चों की बुद्धिलब्धि साधारण बच्चों की बुद्धिलब्धि से कम होती है। देखिए दोस्तों, जो मानसिक मंदता का मतलब होता है मानसिक रूप से कमजोर बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बच्चों की तुलना में उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, उसे मानसिक मंदता वाले बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। इनकी बुद्धिलब्धि कम होती है और इनका मानसिक विकास भी कम होता है, मानसिक गति भी बहुत धीरे धीरे होती है, इसे दोस्तों मानसिक मंदता वाले बच्चों कहते हैं। देखिए दोस्तों, अतः मानसिक रूप से विकलांग बच्चों से अभिप्राय उन बालकों से है जिनमें औसत से कम बुद्धिलब्धि की उपस्थिति के अतिरिक्त समायोजित व्यवहार संबंधी अक्षमताएं भी इस स्तर तक होती हैं कि उनके समायोजन विकास तथा कल्याण हेतु विशेष देखभाल तथा शिक्षा दीक्षा की जरूरत पड़ती है। मानसिक मंदता से संबंधित अमेरिकन एसोसिएशन ने मंदता शब्द की परिभाषा गठित की है। उसे शिक्षा एवं शिक्षण की दृष्टि से यह कार्य व्यवहारिक माना जा सकता है। देखिए दोस्तों, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का मतलब यह होता है कि या वह बच्चे जो जिनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, वह समाज में समायोजित जल्दी नहीं हो पाते हैं और दूसरों की देखभाल के सहारे रहते हैं, उसे दोस्तों मानसिक रूप से बाधित बालक या मानसिक मंदता वाले बालक की श्रेणी में रखते हैं। इनकी बुद्धिलब्धि दोस्तों 70 से कम होती है, आईक्यू लेवल 70 से कम होती है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है? उत्तर है, जेडी पेज के अनुसार मानसिक न्यूनता या मंदन व्यक्ति में जन्म के समय या बचपन के प्रारंभ के वर्षों में पाए जाने वाली सामान्य से कम मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधी कमी तथा सामाजिक अक्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए दोस्तों, जेडी पेज महोदय कहते हैं कि मानसिक न्यूनता का मतलब यह होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके प्रारंभिक एक दो वर्षों में ही यह पता चल जाता है कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितना है, वह कितना तेज बालक है या मानसिक रूप से अक्षम बालक है या मानसिक रूप से बीमार बालक है या कमजोर बालक है, उसे दोस्तों मानसिक मंदता वाले बालक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली परिभाषा है, ब्रिटिश मेंडल डेफिशिएंसी एक्ट के अनुसार मानसिक मंदन 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारकों की वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या उसमें पूर्णता नहीं आ पाती है। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट के अनुसार कहते हैं कि मानसिक मंदन बालक वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से पहले जो बालक होते हैं उस बालक के मस्तिष्क में या तो कोई चोट लग जाती है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिस स्थिति में बालक का मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता है, उसका विकास जब रुक जाता है, उसके मस्तिष्क में पूर्णता नहीं आ पाती है, तो यह बालक मानसिक मंदता का शिकार हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर बालक हो जाते हैं, इसे ही मानसिक मंदता वाले बालक कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मानसिक मंदता की परिभाषाएं, सॉरी दोस्तों, मानसिक मंदता की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, मानसिक मंदित बालकों का शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास ठीक आकार से नहीं हो पाता, वे अधिक समय तक किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, मानसिक रूप से कमजोर बालक हैं, उनका शारीरिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास जो होता है वह ठीक से नहीं हो पाता है, वह अधिक समय तक किसी भी एक विषय वस्तु को एक विषय वस्तु के बारे में चिंतन मना नहीं कर पाते, किसी भी समस्या का समाधान ठीक से नहीं कर पाते, ऐसे बालक मानसिक मंदता की श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट है, औसत से बहुत कम बौद्धिक क्षमता के साथ साथ मानसिक मंदन की एक पहचान यह भी है कि इसके शिकार बालक किशोर अपने आसपास तथा अपने परिवेश से समायोजित होने में
काफ़ी कठिनाई या असमर्थता का अनुभव करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं, जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं, ऐसे बालक समाज के परिवेश से समायोजन करने में उनको कठिनाई महसूस होती है, असमर्थता महसूस होती है, क्योंकि जो सामान्य बालक होते हैं उनका हंसी उड़ाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 या इससे कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जो मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 70 होती है या इससे कम होती है दोस्तों। चौथा पॉइंट है, वे समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने में असमर्थ होते हैं तथा वे समाज के मूल्यों व आदर्शों के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं, वह समाज में समायोजित तो नहीं हो पाते हैं, इसलिए दोस्तों वह समाज विरोधी कार्य करते हैं, समाज में समाज के जो मान्यताओं के अनुरूप वह कार्य नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति करता है, उस प्रकार जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं, वह समाज में समायोजित ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था से ही नज़र आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग होता है, उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है। ऑटिज्म चाइल्डहुड डिसऑर्डर के PDD वर्ग का सबसे गंभीर, अधिक पाया जाने वाला विकास है। इसकी पहचान करने, नाम देने का सम्मिलित श्रेय लाइकनोर और एस्परेंजर को जाता है, जिन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया। बाद में इसके एक रूप को एस्परेंजर डिसऑर्डर नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म जो होता है दोस्तों, यह जन्म के समय बच्चों में दिखाई देने लगता है। ऑटिज्म होता कैसे है? देखिए दोस्तों, जैसे यह बालक का सिर है, बालक के सिर के पीछे दोस्तों, जब पीछे वाले भाग पर जब चोट लग जाती है, तो जो बच्चा होता है वह मानसिक रूप से अक्षम बालक हो जाता है। बालक के जब सिर के पीछे चोट लग जाता है दोस्तों, तो उसे ऑटिज्म मानसिक रोग होने की संभावना अधिक रहती है, जिसे दोस्तों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी कहते हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का मतलब होता है, सर के पीछे चोट लगने के बाद दोस्तों ऑटिज्म रोग बच्चों में अधिकतर होता है। आप देखिए दोस्तों, और दोस्तों जो ऑटिज्म रोग है, इसमें बालक का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक रूप से वह रोगी हो जाता है, और दोस्तों वह अधिक मतलब कि संकटों में होता है, वह जल्दी किसी भी कार्य को कर नहीं पाता है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑटिज्म है, इसमें ऑटिज्म को दोस्तों लाइकनोर और एस्परेंजर महोदय दो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी पहचान की और दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को इस बात को माना कि हाँ, ऑटिज्म जो एक जो यह रोग है, यह मानसिक रोग है और बच्चों से संबंधित रोग है, और इसे दोस्तों बाद में एस्परेंजर डिसऑर्डर नाम दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, ऑटिज्म होने के कारण क्या है? उत्तर है, ऑटिज्म होने की किसी एक वजह से नहीं खोजा जा सकता है। अनुशोधों के अनुसार ऑटिज्म होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना। दूसरा पॉइंट है, मस्तिष्क के रसायनों में असामान्यता होना। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क में बहुत सारे रासायनिक क्रियाएँ अवक्रियाएँ होती हैं, जो बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो मस्तिष्क में क्रियाशील रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, जन्म से पहले बच्चों का विकास सामान्य रूप से न हो पाना, यह भी ऑटिज्म का एक हिस्सा होता है। अब देखिए दोस्तों, अधिगम असमर्थता क्या है? उत्तर है, अधिगम असमर्थ बालक वे बालक होते हैं जिनमें अधिगम या सीखने की दृष्टि बहुत से अधिक अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता से अभिप्राय बालक के सुनने, बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने संबंधी अपूर्ण योग्यता होना है। ये अयोग्यताएँ प्राथमिक रूप से दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, मानसिक मंदता आदि दोषों के कारण नहीं होती हैं, बल्कि ये दोष भाषा के प्रयोग करने, समझने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होते हैं। देखिए दोस्तों, जो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना या सिखाना। सीखने में असमर्थता जो होती है दोस्तों, उसे अधिगम असमर्थता कहते हैं। सीखने में असमर्थ बालक, और देखिए दोस्तों, जो अधिगम असमर्थता का बालक शिकार हो जाता है, लर्निंग डिसएबिलिटीज का जो बालक शिकार हो जाता है, उससे सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने में उसे दोस्तों कठिनाई महसूस होती है, असमर्थता महसूस होती है। और दोस्तों, लिखने, बोलने, सुनने, पढ़ने अधिगम असमर्थता के कई कारण हैं दोस्तों। कई अलग अलग बीमारियां हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अप्रेक्सिया, डिफेजिया, इसका दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, बीएड थर्ड सेमेस्टर क्लासेस का, वहां से दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों,
अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, अमेरिका की अपंगों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1968 के अनुसार बालक की विशिष्ट अधिकम असमर्थ बालक के द्वारा भाषा के लिखने बोलने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक या अथवा एक से अधिक सुचारू रूप से प्रणाली का कार्य न कर पाना होता है। इस प्रकार की कमियों का मुख्य आधार सुनने, बोलने, समझने, विचार करने, पढ़ने, लिखने, गणना करने तथा शब्दों के विभिन्न वर्तनी दोष करने में कमजोरी पाया जाना होता। इस प्रकार की असमर्थता में शारीरिक बाधित जैसे डिस्लेक्सिया, अफेजिया का विकसित होने की दशा से भी तात्पर्य है, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें अधिगम संबंधी समस्याएं सम्मिलित नहीं है, जो मुख्यतः दृष्टि अधिगम, हाथ पैर मानसिक मंदता, भावनात्मक विक्षोभ अथवा वातावरण का समुचित उपयोग न होने के कारण होती है। देखिए दोस्तों, जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं, इस बालक को सीखने में अधिक परेशानी उत्पन्न होती है। ऐसे बालक लिखने में गड़बड़ी करते हैं, पढ़ने में गड़बड़ी करते हैं, शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें लिखते समय बच्चे शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। डिसकैलकुलिया दोस्तों एक गणितीय संबंधी बीमारी है, जिसमें दोस्तों बालक गणनाओं करने में त्रुटियाँ कर देते हैं। जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं, इस बालक में मुख्यतः हाथ पैर और मानसिक मदता, भावनात्मक ये सब नहीं होते, बल्कि दोस्तों उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं। देखिए दोस्तों, किर्क महोदय के अनुसार अधिगम असमर्थता वाणी, भाषा, पठन, स्पेलिंग, लिखने या गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं का विलंबित विकास है, जो संभवतः सेरिब्रल अकार्यपरकता के कारण या संवेगात्मक या व्यवहारात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप होता है, न कि मानसिक मंदता, संवेदनहीनता, सांस्कृतिक या निर्देशात्मक कारणों से। देखिए दोस्तों, किर्क महोदय कहते हैं कि बालक को भाषा, वाणी, बोलने में, पठन पढ़ने में, स्पेलिंग लिखने में, गणित के गणनाएं करने में उसे कठिनाई महसूस होती है। इन प्रक्रियाओं को विलंब से करता है या ठीक से नहीं कर पाता है, उसे अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। सेरिब्रल दोस्तों एक मस्तिष्क का भाग होता है, सेरिब्रम, जिसमें दोस्तों कभी कभी विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे बालक ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और दोस्तों अधिगम असमर्थता को हस्तक्षेप विधि के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हस्तक्षेप विधि दोस्तों उसे कहते हैं जब बालक कोई गलत कार्य कर रहा होता है, उसे बार बार टोका जाए सही कार्य करने के लिए, तो अधिगम असमर्थ बालक को ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों का अर्थ लिखिए। उत्तर है, संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों से अभिप्राय उन बच्चों से है जो अपनी किसी एक या अन्य मनोविकार, आत्मिक या व्यवहार, अन्य परेशानियों के कारण इतने अधिक कुसमायोजित होते हैं कि उन्हें सर्वत्र अपनी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध मिलता है। इनकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन नहीं होता है। संवेगात्मक रूप से विचलित बालकों में कुछ आंतरिक तनाव होता है, जो बालक के मन में घुटन, भय, चिंता तथा व्याकुलता आदि नहीं पैदा करता, जिसके कारण बालक का व्यवहार उत्तेजित रहता है। ऐसे बालक असामान्य व्यवहार के द्वारा अपनी उत्सुकता को दूर करने की कोशिश करता है। माता पिता व अभिभावकों की दृष्टि से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वे होते हैं जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, बहुत ही अधिक आक्रामक होते हैं तथा अपने व्यवहार से पूरे परिवार को तंग रखते हैं। देखिए दोस्तों, संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों को हम उन बच्चों को कहते हैं जो समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं, और दोस्तों इनके मानसिक तनाव बहुत अधिक रहता है। वे परिवार के प्रत्येक सदस्य को हरदम परेशान करते रहते हैं, और दोस्तों ये समाज में कुसमायोजित होते हैं, समायोजित नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे होते हैं, इनमें मनोविकार, आत्मिक व्यवहार, अन्य परेशानियां इनका मुख्य कारण होती है। दोस्तों इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, इनकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन दोस्तों नहीं हो पाता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं अशांत बालक, संवेगात्मक रूप से जो अशांत बालक होते हैं, इनके मन में घुटन, भय, चिंता, व्याकुलता आदि पैदा नहीं होती है। इसलिए दोस्तों यह बालक हमेशा आक्रामकता की व्यवहार करते हैं, आक्रामक व्यवहार करते हैं, जिससे पूरे परिवार के सदस्य ऐसे बच्चों से परेशान होते हैं। ऐसे बालक असामान्य व्यवहार के द्वारा अपनी उत्सुकता को दूर करने की दोस्तों कोशिश करते हैं, हमेशा दोस्तों अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हमारे इस चैनल पर क्लासेस चलती रहेंगी।